काजल, कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस जा रही हूँ। ये पहन के? रोज ऐसे ही तो जाती हूँ। और हाँ, आज नाइट शिफ्ट है तो कल सुबह ही आऊंगी। कोई जरूरत नहीं तुमको ऑफिस जाने की, समझी तुम? क्यों? क्यों क्या यार काजल, तुमको पता नहीं क्या कि लड़कियों के साथ बाहर क्या हो रहा है? कोई जरूरत नहीं है तुमको ऑफिस जाने की। घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसका खर्चा मैं उठा लूंगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लूंगा मैं, लेकिन तुमको ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं मानती हूँ कि जो कलकत्ता में उस लड़की के साथ हुआ वो गलत था, और उस बात के लिए हम सब शर्मिंदा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम काम छोड़कर अपना घर में बैठ जाएं। हाँ छोड़ दो जॉब, जब तक हमारे देश में लड़कियों के साथ ऐसा होता रहेगा कोई जरूरत नहीं है तुमको जॉब करने की, क्योंकि किसी को नहीं पता कि भोली सकल के पीछे जानवर जैसा इंसान किसके अंदर छुपा बैठा है। और क्या कहा तुमने, शर्मिंदा हो? सही कहा तुमने, और कर ही क्या सकते हैं। अरे जब ऐसे केसेस आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और कुछ दिनों बाद सब घर में शांत होकर बैठ जाते हैं, फिर नया केस आ जाता है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से काजल, कुछ तो ऐसी सजा जरूर होनी चाहिए कि करना तो दूर की बात, वो इंसान अगर सोचे भी ना तो उसकी रूह कांप जाए। काजल, हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश की लड़कियां आजाद नहीं है। हम पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, अपने देश के अंदर हमारे यहाँ बहु बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, ये है हमारी तरक्की। तुम क्या चाहते हो, कि मैं घर बैठ जाऊं? काजल, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी आजादी छीन लूं, लेकिन समाज में ऐसी दरिंदगी, ऐसी खबरें आती है ना, ये सब सुनकर के डर लगता है कि कहीं कोई अपना इसका शिकार ना हो जाए। और तुम्हें अगर जॉब करना ही है ना तो तुम फोन मिलाओ अपने बॉस को और उनसे बात करो कि शाम होने से पहले तुमको ऑफिस से छुट्टी दे दे वो, अगर उन्हें मंजूर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जॉब कर सकती हो। यार ऑफिस में मैं अकेली लड़की थोड़ी ना हूँ जिसके लिए अलग से रूल्स बनेंगे। काजल, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं देश की हर एक लड़की के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो गाँव से हो, कस्बा से हो, या किसी शहर से हो, किसी भी सेक्टर में वो काम कर रही हो, प्राइवेट जॉब, पर्सनल जॉब या कॉर्पोरेट जॉब, उसके लिए एक नियम तो ऐसा होना ही चाहिए ना कि शाम होने से पहले वो सेफली अपने घर पहुंच जाए। अच्छा, तो तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है? आसान तो नहीं है, लेकिन कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। आई थिंक तुम ठीक कह रहे हो, मैं बॉस से बात करती हूँ। काजल, ये तुम कैसी बात कर रही हो, हम मैं तुम्हारे लिए अलग से रूल थोड़ी बनाऊंगा। ठीक है सर, तो फिर शायद मैं ऑफिस ना आ पाऊँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सर नहीं मानेंगे, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अकेली के लिए पूरे ऑफिस के रूल्स थोड़ी ना बदल सकता हूँ। ठीक है फिर, मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगा, घर का पूरा खर्चा, पूरी जिम्मेदारी उठा लूंगा, लेकिन तुमको जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा सब। ठीक है, चलो तो फिर। वैसे एक बात बताऊं, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन क्या हमें अपने ही देश में डर के रहने की जरूरत है? पता नहीं यार, पर ऐसी खबरें सुनकर ना रूह कांप जाती है, डर सा लगता है कि कहीं किसी अपने के साथ ऐसी घटना ना हो जाए। अच्छा तुम एक बात बताओ कि लड़की को रोकने से अच्छा हम लड़कों की सोच नहीं बदल सकते? काजल, तुम्हें ऐसा लगता है हर लड़का ऐसा होता होगा? ऐसा नहीं है, 2-4 लाख में कोई एक ऐसा होता है, और वो तुम्हारे इतने करीब है, ये बात किसी को नहीं पता है। शायद उनकी ना परवरिश ही ठीक नहीं होती होगी, इसलिए वो ऐसे बन जाते हैं और उनकी सोच ऐसी हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है काजल, कि ऐसी हैवानियत भरी हरकत करने के लिए कोई माँ अपने बेटे को ये कहेगी कि जा जाके दुष्कर्म कर ले? अरे नहीं,
बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी लड़की को सिर्फ और सिर्फ अपने पति, अपने भाई, अपने पिता के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए। पर जी सर। काजल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, और तुम ही नहीं, मेरी ऑफिस की जितने भी लड़कियां हैं ना, सब अंधेरा होने से पहले घर चली जाएंगी। मैं उनकी छुट्टी कर दूंगा। थैंक यू सर। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें, तुमने मेरी आंखें जो खोल दी है। अरे ये कैंडल्स लेके रोड पे चलना, आंदोलन करना, इनसे कुछ नहीं होगा। छोटा मोटा कदम तो हम भी उठा सकते हैं, और ये मेरी तरफ से एक कदम ही मान लो, ठीक है? बॉस मान गए हैं, और उन्होंने कहा है सिर्फ मेरी नहीं बल्कि ऑफिस में जितनी भी लड़कियां हैं ना, कल से उनकी छुट्टी अंधेरा होने से पहले ही हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं यही कहूंगा, हर लड़की को सिर्फ और सिर्फ अपने पति, पिता और भाई के ऊपर ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पति, पिता और भाई, और कोई नहीं कर सकता है। पता नहीं किस रूप में कोई हैवान आए और हैवानियत करके चला जाए। जय हिंद। हेलो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।